कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री के मथुरा से हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस योजना के तहत देश के 51 करोड़ पशुओं में होने वाली बीमारी खुरपका, मुंहपका एवं ब्रसिलोसिस के लिए टीकाकरण तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत जानवरों की नस्ल सुधारने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से 2024 तक गाय, भैंस, भेड़, बकरी के साथ सुअर को उचित टीकाकरण द्वारा बीमारियों से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पर्वतलाल अहिरवार विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि महाविद्यालय के डीन डॉ एके सरावगी ने की। इस दौरान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पशु रोगों के बारे में और उनके उपचार को लेकर विस्तार से जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि बरसात के पहले पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, जिससे खुरपका और मुंहपका की बीमारी से निजात मिल सके। टीकाकरण के माध्यम से मुंहपका और ये जो खुरपका रोग को नियंत्रित करने हेतु यह एक टारगेट जो फिक्स किया गया है, वह 2019 से 2024 तक यह इस रोग से मुक्ति पाने हेतु यह कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी 50% तक कम हो जाता है एवं ब्रुसेलोसिस से गर्भपात पशुओं को देखा गया है। तो यह जो गर्भपात की बीमारी है, इसका कोई उपचार अभी तक नहीं है। इससे केवल टीकाकरण द्वारा बचा जा सकता है। इसमें बछियों का टीकाकरण जो 4 से 8 माह की लगभग 6 महीने की बछिया जो होती है उसको टीकाकरण कराने से उसके जीवन भर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। खुरपका मुंहपका का टीकाकरण वर्ष में 2 बार किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रति 6 महीने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो पहला टीकाकरण जो है मिड जून से जो मध्य जून है उससे करें और शुरू करते हैं, एवं जुलाई के प्रथम वीक तक, प्रथम सप्ताह तक इसको कर लेना चाहिए। तो प्री मानसून और पोस्ट मानसून जो होता है इसमें फरवरी मार्च में या मार्च अप्रैल तक किसी भी हालत में कर लिया जाता है, ताकि हमारे पशुओं का पूरा साल भर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और खुरपका मुंहपका रोग से बचाव रहे। हमको साहब बहुत सा लाभ हुआ है इससे, हमारे जैसे जानवर के लिए पशु जो जानवर है तो जो पका जो मर्ज होता है हम उसी का साथ आमदनी बढ़ाएंगे अपने जो हमें वर्ग जो प्रजनन के लिए बताया गया है। तो साहब जैसे अपने गाय बसिया के लिए अपने गर्भवती पे आती है तो साहब उसको नया बीज डालने के लिए हम बहुत कुछ इससे लाभ हुआ है। साथ सचेत है इसके लिए और आगे चल करके साहब इसका हम बहुत प्रजनन का उपयोग करेंगे और अपने जानवर के लिए वैक्सीनेशन कराएंगे, समय पर कराएंगे और इससे बहुत कुछ हमें लाभ हुआ है। आगे हम इसे धन्यवाद। ये किसानों के लिए विशेषकर पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही किसानों के लिए आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि मुंहपका खुरपका ऐसी बीमारियां होती हैं जो अक्सर पशुओं में जो बीमारियां होती हैं जिससे पशु को काफी परेशानी होती है, पशु दुबला हो जाता है, दूध की मात्रा कम हो जाती है और कई ऐसी समस्याएं ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो पशु मर भी जाता है। इस योजना के माध्यम से साल में 2 बार टीकाकरण होगा, जिससे ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम जो बनाया है ये 5 साल में पूरे देश से मुंहपका खुरपका जैसी भयानक बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। इसको निश्चित ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और शासन के जो पशुपालन विभाग है इस द्वारा जो कार्यक्रम पूरे देश में किसानों के यहाँ क्रियान्वित किए जाएंगे।